नैनपुर नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा नगर पालिका के सभागृह में पत्रकारों के साथ एक वार्तालाप का आयोजन नगर पालिका के द्वारा किया गया, जिसमें नगर के विकास, सौंदर्यीकरण और बाजार को सुव्यवस्थित बनाने के लिए पत्रकारों से सुझाव मांगे गए। इस बैठक में नगर से जुड़ी विभिन्न समस्याएं, जैसे पुराने अस्पताल पर ओपीडी चालू करवाने, नगर की बाजार को सुंदर और व्यवस्थित करने, चकोर नदी पर नगर का गंदा पानी बंद कराने एवं चकोर नदी का जीर्णोद्धार करने, रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण करवाने संबंधित अन्य मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसके निदान के लिए नगरपालिका अध्यक्ष ने शीघ्र ही कार्यवाही करने की बात कही। अध्यक्ष ने आग्रह किया कि सभी पत्रकार और नई नगरपालिका परिषद मिलकर कार्य करें तो शहर का विकास संभव हो पाएगा। सभा के समापन के पश्चात नगर के समस्त पत्रकारों का अध्यक्ष द्वारा डायरी और पेन देकर सम्मान किया गया। न्यूज रूम टीवी के लिए अनिल जांगड़े की रिपोर्ट। नगरपालिका में हमारी नई परिषद बनी हुई है, आज मैंने हमारे सभी सम्मानित पत्रकारों को अपनी अपेक्षा और उनकी अपेक्षाओं को जानने के लिए बैठक रखी है और उनसे उनके अनुभव शेयर करने के लिए बैठक रखी कि मुझे वो अपने समय समय पर अपना संज्ञान देते रहें और मुझे नैनपुर नगर के विकास के लिए अपना सहयोग प्रदान करें अपने अनुभव के हिसाब से। नगर विकास के लिए किन कामों को आपने प्रथम सूची में रखा है? नैनपुर नगर के विकास के लिए तो बहुत सारे बिंदु हैं, उसमें एक रेलवे भी आता है। इसके लिए हम जो बिलोंगिंग मैनेजमेंट है उससे हम चर्चा करेंगे आप सभी के माध्यम से और मेरे परिषद के माध्यम से। और नैनपुर नगर में मैं एक ज्वलंत समस्या कहती हूँ कि हमारे नैनपुर नगर में पुराने हॉस्पिटल में एक कैजुअल्टी होना चाहिए जिसे आपातकाल कहते हैं, वहाँ पर ट्रीटमेंट होने के बाद पेशेंट को एम्बुलेंस के द्वारा नए हॉस्पिटल में एडमिट करें, ये मेरा प्रयास रहे। नगर के बाजार को किस प्रकार से आप सौंदर्यीकरण करेंगे? नैनपुर के मुख्य बाजार की व्यवस्था भी एक ज्वलंत प्रॉब्लम है जो हम लोग बहुत सालों से देख रहे हैं, उसे भी हम व्यवस्थित करने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे और जल्द ही उस बाजार को हम व्यवस्थित करेंगे। उसमें एक बिंदु ये भी रहेगा कि मटन मार्केट को हम अपने मार्केट से कहीं दूर ले जाकर शिफ्ट करें, उसके लिए हमने जगह चिन्हित कर रखी है।